जब 1982 में इस अरबी बंदे ने मुझे स्टोरी सुनाई थी, मैं हिल गया था, क्योंकि उसने मुझे स्टोरी के बाद ये बताया, ऐसे इंसान ने अपने दिमाग में ऊंट वाली रस्सी वाला फंदा अन्ने मोदा पाके रखा हुआ है, जो के है नहीं, और ये उठ ही नहीं रहा, ये आगे चल ही नहीं रहा, इसको सिर्फ अपना ही वो नजर आ रहा है। ऊंट तो बेचारा ऊंट था, उन्होंने उसके कहने पर वो झूठी रस्सी को और किल्ले को उतार दिया, ऊंट चल पड़ा। हमको तो सच बताया जा रहा है गुरुओं ने वाणी में, धार्मिक कितनी बातें हजारों सालों से बताई, हम नहीं हिल रहे हैं। क्यों नहीं हिल रहे हैं? सब कुछ पता है आपको, सब कुछ पता है ना, मेरे को भी सब कुछ पता है, हम सबको सब कुछ पता है, सब कुछ पता होने के बाद क्या हुआ है? अभी रिसेंटली हम इंदौर गए, वहां एक सज्जन ने मुझे स्टोरी सुनाई कि हुआ क्या है। हुआ ये है, वो सज्जन बोलते हैं कि एक अंधा अपने घर से चलता है अपने एक मित्र को मिलने जाने के लिए, उसे उसका घर मालूम है, सोटी टिका टिका के, काली अनक लगी हुई है, और ऐसे टोता टोता अपने दोस्त के घर चला गया। उसके पास अंतरात्मा की आंखें हैं और वो चला गया। दोस्त के घर बैठे बैठे शाम हो गई। दोस्त बोलता है, तुमने घर वापस जाना है? हाँ, पर अब तो बाहर अंधेरा होने वाला है, तुम मत जाओ ना। अंधा बोलता है, बाहर अंधेरा हुआ है कि रात हुई है, मुझे तो दिखाई नहीं देता। इसने उसको कहा, नहीं, तुम ऐसे करो, अपने हाथ में मोमबत्ती ले जाओ और चले जाओ। बोलता है, मुझे मोमबत्ती से क्या लेना देना, मुझे तो दिखाई नहीं देता। इसने कहा, नहीं, आप मोमबत्ती ले जाओगे ना, कम से कम आप को मोमबत्ती हाथ में पकड़कर देखेगा कोई, तो आपसे टकराएगा तो नहीं ना, कम से कम साइकिल वाला, रिक्शा वाला या पैदल वाला, कोई टकराएगा नहीं, मोमबत्ती ले जाओ ना। सो ही एक्सेप्टेड दिस, ब्लाइंड मैन एक्सेप्टेड दिस आइडिया। अब वो मोमबत्ती लेके जा रहा है, टक्कर हो गई, बड़े अफसोस की बात है, एक अंधा जा रहा है मोमबत्ती लेके, टक्कर हो गई। उसको पूछा गया, जिसने उसको टक्कर मारी बोला, तुम्हें नजर नहीं आता? तो ये बोला, मुझे तो नजर आता नहीं है। क्या आपको भी नजर नहीं आता? मेरी मोमबत्ती नजर नहीं आई जिसने टक्कर मारी थी? वो बोलता, कौन सी मोमबत्ती? कोई मोमबत्ती नहीं जल रही। कहता, ये मोमबत्ती? कहता, आपकी तो मोमबत्ती बुझी हुई है, आपकी मोमबत्ती जल ही नहीं रही, अंधेरे में मेरे से टक्कर हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक अंधे के हाथ में मोमबत्ती दे दी, वो जल रही है तो भी फायदा नहीं है, बुझ गई है तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसको दिखाई ही नहीं देता। आप मानो या ना मानो, मुझे ये बात समझ में आ रही है कि हम उसी अंधे इंसान की तरह हेल्पलेस हुए हुए हैं, क्योंकि हमारे को धर्म की मोमबत्ती मिली है और वो बुझी भी नहीं है, पर हमको क्योंकि नजर नहीं आता इसलिए इसका फायदा उठा नहीं पा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं इंसान बहुत विकसित हो गया है। ये विकसित की निशानी है, इंसान अपने बच्चों से, बच्चे अपने मम्मी पापा से, और सास बहू भाई भाई का ये जो झगड़ा हो रहा है। अब क्यों होता है ये? मोमबत्ती बुझ गई है, पता सब कुछ है,
क्यों होता है ये? हम सोच रहे हैं यार, मैं पैसे कमा लां, मेरा बच्चा पढ़ जाए, मैं अपना सुखी टब्बर बना लूं बस। पर करतूत की कर रहे हैं, एक मां नर्सरी स्कूल अंदर अपने बच्चे नू एडमिट करा जाती है फर्स्ट टाइम इन लाइफ। बच्चा रो रहा है, नहीं मम्मी मैंने स्कूल नहीं जाना। मां कह रही है स्कूल आज से जाना है, ये प्ले स्कूल है, दिस है दैट है, बड़ा कुछ उन्हें सिखा रही है पर बच्चा नहीं मान रहा। अल्टीमेटली मम्मी ने टीचर नू कहा है थोड़ा डरता है, थोड़ा नॉटी है, बस तुसी इसनू प्यार करना, आस्ता आस्ता बैठ जाएगा। पर टीचर जी एक गल है, ये बच्चा थोड़ा नॉटी है, आपको तंग करेगा, आसपास के बच्चों को तंग करेगा, आप इसको कुछ कहना नहीं, फिर डरता है ना, बहुत डरपोक है, वो इसको कुछ कहना नहीं। तो टीचर ने कहा जब ये नॉटी है, तंग करेगा, उस टाइम मैं क्या करूं, तुम सिंपल काम करना, इसके साथ वाले बच्चे को थप्पड़ मारना, ये डर जाएगा और ये चुप कर जाएगा, शैतानी बंद कर देगा। सेम चीज हम सब कर रहे हैं, मेरे बच्चे नु कुछ ना कहना, साथ के बच्चे को थप्पड़ मार दो, पर मालूम नहीं है कि ये साथ के बच्चे को तीसरी जब मम्मी आएगी वो भी तो कह जाएगी कि इसको थप्पड़ मार देना, तो बारी बारी मेरे बच्चे की बारी भी आ ही जाएगी, इसको भी कोई कह जाएगी थप्पड़ इसको मारना, मेरे को नहीं मारना। तो हम सारे ना एक पेड़ की तरह बंधे हुए हैं, पर अपने आप को अलग समझ रहे हैं। हमें सिखाया को कबीर राम की अंश, हम नहीं समझ रहे हैं। हमें इंग्लिश में बोला वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम नहीं समझ रहे हैं। हमको बोला यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम नहीं समझ रहे हैं। हमको सिखाया अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, हम नहीं समझ रहे हैं। पर पेड़ को देखो, जरा सा पेड़ को देखो, जड़े सोचे मैं बड़ी फन्ने खां, मेरी बहुत उच्ची जात है, हम तो जट होते हैं, हम तो पापे होते हैं, हम तो बहुत उच्च जाति होते हैं, मेरे को तने से क्या लेना देना है। तना बोले मेरे बगैर तो पेड़ ही नहीं खड़ा हो सकता। टहनिया बोले हमारे बिना तो ये फैल ही नहीं सकता, इसकी पत्तियां ही नहीं आएंगी। पत्ते बोल रहे हमारे बगैर तो छाए नहीं होएगी। फल बोल रहा है मेरे बिना तो पेड़ की कोई कीमत ही नहीं है। क्या ऐसे होता है? से यस और नो, उच्चा बोलो सारे। जे अंज नहीं होता तो छिपकली कोलो नहीं सीखे, पेड़ कोलो सीख लीए। सानू रोज सिखाया जा रहा है बलिहारी कुदरत वस्या, कुदरती च वसदा, असी पेड़ कोलो लै लीए किस तरह जड़ां तने नू देंदियां, तना अपनी आकड़ नहीं दिखांदा, किस तरह तना जड़ां कोलो लैके इस यूनिवर्स तो लैके सारियां चीजां टाणियां नू दे देंदा है। टाणियां किस तरह पत्तियां नू दे देंदियां ने, पत्ते किस तरह फल नू दे देंदे ने, फल किस तरह सानू मिल जाता है, पेड़ खांदा है फल। पर मैं तुहानू एक गल सांझ करन दी कोशिश कर रहा कि एक बंदा डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर साहब मेरे ना देखो आप एक्सरे करो, मेरे को ना कहीं हड्डी में दर्द है, देखो यहां पर दर्द, यहां उंगल लगाई ना दर्द है। डॉक्टर साहब ये देखो यहां पे उंगल लगाई ना यहां भी दर्द है। डॉक्टर साहब ये यहां लगाई ना यहां भी दर्द है। यहां मैंने उंगली लगाई यहां भी दर्द है। देखो ना डॉक्टर साहब मैंने यहां उंगली लगाई यहां भी दर्द है। मेरा ये गिट्टे पे उंगली लगाई यहां भी दर्द है। डॉक्टर ने सारा चेक किया, पता क्या हुआ? डॉक्टर बोलता है मैंने एक्सरे का करनी है, मैंने सारा चेक कर लिया, तुम्हारी हड्डी को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारी उंगली टूटी हुई है। ये टूटी हुई उंगल यहां लगाते हो, उंगली दर्द होती है तुम्हारी, दरअसल यहां नहीं कोई नुक्स, यहां नहीं कोई नुक्स, यहां कोई नुक्स नहीं है, उंगली टूटी हुई है। हमारे मन की, हमारे सोचने की उंगल दरअसल टूटी हुई है, हमको समझ में नहीं आ रहा।
हम इस यूनिवर्स में इस करके दुखी नहीं है कि दुख है, हम इस करके दुखी हैं कि लोग सुखी हैं। लोग बोल रहे हैं दूजे सुखी हैं, हर इंसान बोलता है दूजे की वोटी सोनी है चंगी है। बदनी देखो ना, वो देखो अपनी पत्नी नू मिलदा पिया है, कितना खुश होके मिलदा पिया है रेलवे स्टेशन ते। तब पति कहंदा है वो पता है अपनी वाइफ को सी ऑफ करने आया है, मैं तो तेरे को रिसीव करने आया हूं। प्यारे सज्जनों, अपनी टुट्टी उंगल और अपनी कूप नींदर चो जागण वास्ते ना मैं ना आज एक शब्द तुहाडे नाल सांझ नहीं करांगा, सिर्फ उहदा फ्लाइंग वेज एक सब्जेक्ट डिस्कस करांगा जिसनों असी कल टैगोर गार्डन डिटेल समझा के। मेरे नाल गाओ सारे। चार दिन अपनी नौबत चले बजा, चार दिन अपनी नौबत चले बजा, इतनक खटिया गठिया मटिया, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग ना किछ ले जाए। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग ना किछ ले जाए। चार दिन चार दिन अपना टंडोरा पिट के हम भी कुछ होते हैं, हम भी हैं, हमारा भी कोई टब्बर है, मैं भी कुछ हाँ, बस ये चार दिन नौबत बजा के हम चले जाएंगे। व्हाट वी आर मेकिंग दिस वर्ल्ड, आर वी मेकिंग दिस वर्ल्ड स्वर्ग और न